सो हेलो एवरीवन, इट्स मी रूबी रॉय एंड आप देख रहे हैं फनी पाठशाला। सो फाइनली हमारे जो राउंड सिक्स है उसका रिजल्ट आ चुका है। एंड उसके बाद राउंड सिक्स के रिजल्ट के बाद बहुत सारे कैटेगरी के स्टूडेंट आते हैं, किन को सीट मिला था, किन को सीट अपग्रेड नहीं हुआ है, किन को नया सीट मिला है एंड ऑल भी जो हर एक कैटेगरी है उनका नेक्स्ट प्रोसीड्यूर क्या है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम जो मोस्ट जो कॉमनली डाउट है पार्शियल एडमिशन फी और जो मोस्ट कॉमनली डाउट है उन्हें डिस्कस करेंगे। सो होपफुली आपके लिए वीडियो बहुत काम का होगा। मोस्टली जो डाउट जो पार्ट वाला है, डाउट वाला पार्ट, वो ऑब्वियसली जाकर जरूर देखिए, नीचे स्टेप आपके लिए गिवन होंगे। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्हें इस राउंड में राउंड सिक्स में उन्हें एक नया सीट मिला है, सो उनका प्रोसीड्यूर क्या है। सो बेसिकली उन्हें अब जैसा कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाकर उनका जो फर्स्ट प्रोसीड्यूर है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो विलिंगनेस सबमिशन एंड साथ में जो उनका जो पेमेंट है फॉर SC ST एंड जो PW उनके लिए 15,000 एंड फॉर द OBC जनरल और EWS उनके लिए 35,000, वो पेमेंट कंप्लीट करना होगा। देन जाके वो 22-24 नवंबर के अंदर उनका जो पार्शियल एडमिशन फ़ी है वो कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ वो लोग कॉलेज जो रिपोर्टिंग है वो लोग कंप्लीट करेंगे। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे लोगों से मुझे DM आ रहा था कि मुझे राउंड सिक्स में नया सीट अलॉटमेंट हुआ है बट मेरे पास विलिंगनेस जो सबमिशन है वहाँ पे बस मुझे जो फ्रीज ऑप्शन है वो शो रहा है, तो मैं क्या सबमिट इसे फ्रीज कर दूँ, एंड अगर मैं फ्रीज करता हूँ तो क्या मैं उसके बाद सीसे में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ या नहीं। सो इस केस में जो सगा जो राउंड है वो सिक्स राउंड यहाँ पर ही खत्म हो रहा है, इसके बाद अगर आप फ्लोर अदर स्लाइड भी चूज करो ना तो आगे कोई राउंड नहीं है, तो इसीलिए आपके पास सिर्फ जो फ्रीज ऑप्शन है वो शो रहा है। सो नेक्स्ट आंसर इज अगर आप इसे फ्रीज करते हो तो क्या आप सीसेप में जाकर पार्टिसिपेट कर सकोगे। सो ऑब्वियसली अगर आप इसे फ्रीज भी करते हो देन भी जाके आपके पास एक ऑप्शन है, आप सीसेप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। नेक्स्ट कंडीशन जिनका जो सीट अपग्रेड हुआ है, तो सीट अपग्रेड होने पे यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं। पहला जो ऑप्शन अगर मानो कि आपका जो सीट है आपको पहले कुछ किसी एक NIT आइदर NIT प्लस सिस्टम में मिला था, देन आपका जो सीट है वो NIT प्लस सिस्टम में ही अपग्रेड हुआ है। सो उस केस में आपको क्या क्या प्रोसीड्यूर फॉलो करना है। सो बेसिकली आपको अब नॉर्मली कोई प्रोसीड्यूर नहीं है क्योंकि आपने पहले ही आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेमेंट है वो आप कंप्लीट कर चुके हो, तो अगर आपको जो विलिंगनेस सबमिशन ऑप्शन वो शो हो रहा है देन आप उसे फ्रीज कर सकते हो। आइदर आपने जैसे रखा था उस राउंड में वही रख दो, आपको कुछ नहीं करना होगा, बस जाके आपको 22-24 नवंबर के अंदर पार्शियल एडमिशन फी मस्टली पेमेंट करना होगा अगर आपको जैसा वाला जो सीट है वो चाहिए, एंड साथ में आपको जो रिपोर्टिंग प्रोसेस है कॉलेज में जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट करना होगा। नाउ जो सेकंड केस क्वेश्चन जो है IIT सिस्टम के लिए, जो IIT किसी एक स्टूडेंट को IIT में सीट मिला है, सो उस केस में पहले भी उसे मिला था सीट, आइदर उसे इस राउंड में नया सीट मिला है। अगर कोई किसी को नया सीट मिलता है देन मैंने एज आई सेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो उसे पहले जो जोसा के वेबसाइट है वहाँ पे जाकर जो प्रोसीड्यूर है वो कंप्लीट करना होगा, देन उसे जो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है उसके लिए वो डायरेक्टली जो कॉलेज की वेबसाइट है वहाँ चले जाए। IIT के लिए जो पार्शियल एडमिशन फी है वो पेमेंट करना नहीं होगा, उनका प्रोसीड्यूर बस जोसा के जो वेबसाइट है वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड प्लस जो पेमेंट है सीट एक्सेप्टेंस फी वो कंप्लीट करना होगा, देन उन्हें पार्शियल एडमिशन फी नहीं देना होगा। उनका जो बाकी प्रोसीड्यूर है वो IIT के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कॉलेज आपका अलॉटमेंट हुआ है वहां जाना होगा। तो सेम केस मानो कि किसी एक स्टूडेंट को किसी एक राउंड में पहले IIT मिल चुका था एंड अब उसका जो IIT का सीट है वो अपग्रेड हो चुका है, तो उसे भी प्रोसीड्यूर कुछ भी नहीं करना होगा। अगर उसे फ्रीज करना है ऑप्शन विलिंगनेस ऑप्शन शो रहे देन उसे फ्रीज कर दे। बाकी जो प्रोसीड्यूर है ध्यान से सुनिए, बाकी जो प्रोसीड्यूर है आप मस्टली जाकर आपका जो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है उसके वेबसाइट में जाकर देखिए, आप वहां पर नोटिस आ चुका है बहुत सारे कॉलेज में, जैसे IIT खड़गपुर और भी बहुत सारे कॉलेज में नोटिस आ चुका है, उनका जो पेमेंट है, उनका जो फ्री एडमिशन है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो हर एक का डिटेल्स आ चुका है। तो आपका जो प्रोसीड्यूर है वो जैसा कि यहाँ तक खत्म हो चुका है, आप बस अब आपका जो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है उनके वेबसाइट में चले जाइए। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मानो कि किसी एक स्टूडेंट को पहले NIT प्लस सिस्टम में मिला था, आइदर पहले IIT प्लस सिस्टम में मिला था एंड अब सिक्स राउंड में उसका जो सीट अपग्रेड होकर NIT टू IIT आइदर IIT टू NIT आ गया है, तो उस केस में उस बंदे को फिर से उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट करना होगा। एंड देन अगर उसे कोई IIT मिला है देन वो IIT का वेबसाइट है वहाँ चले जाए, वरना उसे कोई NIT मिला है देन वो 22-24 नवंबर के अंदर उनका जो पार्शियल एडमिशन फी है वो पेमेंट कंप्लीट करे, देन जो NIT का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ चले जाए, जाके उनका जो रिपोर्टिंग है वो प्रोसीड्यूर कंप्लीट कर ले।
द लास्ट पार्ट, जिन्हें अब तक कोई सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनका प्रोसीड्यूर क्या है. सो बेसिकली उनका कोई भी प्रोसीड्यूर नहीं है, ना ही उन्हें पार्शियल एडमिशन फ़ी कुछ भी पेमेंट करना होगा. वो बस अगर सीसेप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं देन जो सराउंड जब ख़त्म हो जाए देन सीसेप में फ्रेशली वो लोग रजिस्टर कर सकेंगे, उनका जो चॉइस फिलिंग है वो कर सकेंगे. एंड येस, हम सीसेप रिलेटेड एक बहुत जल्दी से एक बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो लेके आएंगे. सीसेप रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो मुझे कॉमेंट करके बताइए. मैं आई विल कोशिश करूँगी कि वो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपका जो डाउट है वो सॉल्व कर दूँ फुल्ली. मोस्ट ऑफ द कंडीशन जो हमारे सिक्स राउंड के बाद आपको क्या क्या प्रोसीड्यूर करने हैं वो हमने यहाँ पे डिटेलली आपको सब कुछ बोल दिया है. नाउ जो मेन पार्ट ऑफ द वीडियो दैट इज़ हमारा जो डाउट है, बहुत जो मोस्ट कॉमनली डाउट है, उन हर एक डाउट को हमने ले लिया है. एक एक करके डाउट हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डाउट जो पार्ट है उसे ध्यान से देखिए. सो या लेट्स स्टार्ट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल पेमेंट रिलेटेड एक डाउट, पेमेंट जो पार्शियल एडमिशन फ़ी है वो पेमेंट किनको करना होगा. एज आई सेड फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, मैं अगेन बोल रही हूँ, जो पार्शियल एडमिशन फ़ी है वो ओनली जो NIT प्लस सिस्टम है, मतलब जो NIT, IIIT, GFK और जो IIS जो शिवपुर है उन्हीं स्टूडेंट को बस जो पार्शियल एडमिशन फ़ी है वो कम्प्लीट करना होगा. एंड जो IITs के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो उनका जो ओन कॉलेज है, उन्हें जो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है उनके वेबसाइट में चले जाइए, वहाँ पर आपका जो बाकी प्रोसीड्यूर है वो वहाँ पर होगा. देन जो एक क्वेश्चन है कि पार्शियल एडमिशन फ़ी आपको कौन से ऑफिशियल वेबसाइट में करना होगा, जूसा के वेबसाइट में, सीसेप के, आदर कॉलेज के, जो कॉलेज आपका अलॉटमेंट हुआ है उसके वेबसाइट में. दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल, आपको बस जाके जूसा के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे 20-24 नवंबर के अंदर आपका जो पार्शियल एडमिशन फ़ी है वो कंप्लीट करना होगा. एंड वो आपको जब 20 तारीख आएगा देन जूसा के वेबसाइट में जब आप लॉगिन करोगे खुद का अकाउंट देन आपके पास एक नया एक पोर्शन शो होगा दैट इज़ पार्शियल एडमिशन फ़ी. वहाँ पर जाके आपका जो पेमेंट है वो प्रोसीड्यूर कम्प्लीट कर देना. देन एक क्वेश्चन आता है कि मैंने अपने जूसा में जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी है वो दे दिया देन पार्शियल एडमिशन फ़ी दे दिया, उसके बाद मुझे कितना पेमेंट करना होगा. सिर्फ पेमेंट ही तो ले रहे हैं ये लोग, इसके बाद मुझे और कितना पेमेंट चाहिए. सो बेसिकली इसके बाद आपके आपसे और कुछ भी पेमेंट चाहिए नहीं चाहिए. अगर आप IIT के बंदे हो देन तो डिफरेंट केस है, आप कॉलेज को वेबसाइट में डायरेक्टली जा रहे हो. बट अगर आप NIT प्लस सिस्टम में हो देन आपके लिए और एक्स्ट्रा कोई पेमेंट नहीं है. जब आप एडमिशन के लिए जा रहे हो देन अगर आप वहाँ पे जो हॉस्टल एंड मेस वो ले रहे हो देन आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा, बट अब और कुछ नहीं चाहिए. एंड उसके बाद अगर आप सीसेप में पार्टिसिपेट कर रहे हो जो समय सीट लेने के बाद देन सीसेप रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सिर्फ जो 2000 रुपीज़ है वो एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा. सो इससे अलावा आपके पास अभी कोई फ़िलहाल कोई आपको पेमेंट नहीं करना होगा. मोस्ट जो कॉमनली क्वेश्चन हम सुनते हैं दैट इज़ रिलेटेड कि हमारा जो कॉलेज रिपोर्टिंग है वो हम कब से कब करेंगे. जो समय तो बस इतना लिखा है कि 20-24 नवंबर के अंदर आप पार्शियल एडमिशन फ़ी दोगे, तो कॉलेज रिपोर्टिंग है वो कब करेंगे. सो उससे रिलेटेड के लिए आपको अब हर सभी को जिनको जिनको जो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है उनके वेबसाइट में जाइए. कुछ कुछ कॉलेज में 22 नवंबर से जो कॉलेज रिपोर्टिंग है वो स्टार्ट हो चुका है, डिफरेंट कॉलेज का डिफरेंट डेट है. सो उसके लिए वो शायद 21 से स्टार्ट हो सकता है, किसी कॉलेज में 22 से, किसी कॉलेज में 23 से. सो उसके लिए डेफिनेटली आपका जो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है उसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए. उसका ऑफिशियल वेबसाइट आपको कहाँ कैसे मिलेगा, जो भी कॉलेज आपको मिला है उसे गूगल पर सर्च कीजिए, इसका नाम लिख के मानो कि NIT अगरतला ऑफिशियल वेबसाइट. देन आपको पहला जो वेबसाइट मिलेगा उसके जो वेबसाइट पार्ट है उसमें आप क्लिक कीजिए, देन आप वेबसाइट में चले जाओगे. देन देखिए कोई नया नोटिस आया है कि नहीं, आपके लिए जो 21-22 में जो एडमिशन ले रहे हैं उस स्टूडेंट के लिए कोई नोटिफिकेशन आया है कि नहीं एडमिशन रिलेटेड, उसमें देखिए. तो वहाँ पे ऑलरेडी हर एक डिटेल्स, अगर आपका नोटिफिकेशन आ चुका है देन वहाँ पे डिटेल्स लिखा होगा. सो यस, ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए कोई फिक्स डेट नहीं है, डिफरेंट कॉलेज का डिफरेंट डेट है. सो इसके लिए आपको जो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है उनके वेबसाइट में जाना होगा. एक क्वेश्चन देखते हैं कि मेरा मानो कि जो फैमिली इनकम है वो 1 लाख के कम है, आइदर मेरा फ्री एडमिशन होगा, आइदर मैं SC ST से हूँ, वो जो भी केस है, तो मेरा जो कॉलेज ट्यूशन फ़ी है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा. जो लोग जो पैसा जो साहब हमसे ले रहे हैं 35,000 देन 40,000, अगर आप SC ST हो उस केस में 15,000 देन 20,000, 35,000 इन टोटल जो पैसा जो साहब हमसे ले रहा है इतना तो हमारा ट्यूशन फ़ी भी नहीं होगा, तो भी क्या हमारी जो पार्शियल एडमिशन फ़ी है वो देना होगा.
सो ऑब्वियसली ये बात बोलते बोलते मैं बहुत थक चुकी हूँ। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बात बोला था, फिर भी बोल रही हूँ। यस, अब हर एक स्टूडेंट को पर्शियल एडमिशन फ़ी देना होगा जिन्हें जोसा में सीट अलॉटमेंट हुआ है, एंड वो जो उनका जो सीट है वो अपना जो सीट है वो रखना चाहते हो तो ऑब्वियसली मस्टली आपका जो पार्शियल एडमिशन फ़ी है वो ज़रूर फिलअप कीजिए 22-24 नवंबर के अंदर। एंड आप जो एक्स्ट्रा पेमेंट यहाँ पे कर रहे हो वो आपको बाद में रिफंड हो जाएगा। सो उससे रिलेटेड टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एक क्वेश्चन, ऑनलाइन रिपोर्टिंग हम कब करना है, सीसेप के बाद इधर सीसेप से पहले? सो जो सर मैं जो वेबसाइट में जो एक नोटिस आया था उसमें डायरेक्टली मेंशन है कि आपका जो रिपोर्टिंग है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर आप चाहते हो तो आप सीसेप से पहले भी कर सकते हो इधर सीसेप के बाद। सो इनमें से एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि जो NIT पटना है वहाँ पर नोटिस आ चुका है जो 22 नवंबर के अंदर उनका जो एडमिशन प्रोसेस है ऑनलाइन रिपोर्टिंग है वो कंप्लीट कर लीजिए। तो ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन रहते हैं, अगर आप चाहते हो कि आपका जो प्रोसीड्यूर है वो सीसेप से पहले करना चाहते हो देन आप कर सकते हो अदर सीसेप के बाद। तो इसमें जो सेफ साइड होगा कि हाँ आप सीसेप से पहले आपका जो रिपोर्टिंग है वो प्रोसीड्यूर कंप्लीट कर लो, क्योंकि सीसेप में आपको सीट मिलाएगा उसका गारंटी कोई नहीं दे रहा। तो हाँ सीसेप से पहले आपका जो रिपोर्टिंग है वो कर लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिनसे मेरी बात हुई है वो सभी लोग सेफ साइड रख के जो खेलना बाकी जो पार्टिसिपेट वो करना चाहते हैं। तो सेफ साइड यही होगा कि हाँ आपका जो रिपोर्टिंग है वो आप कर लो अभी, एंड देन सीसेप में पार्टिसिपेट करो, देखो सीसेप में कोई अलॉटमेंट होता है कि नहीं। रिलेटेड क्वेश्चन कि मैं क्या 6 राउंड के बाद विड्रॉल कर सकता हूँ? तो यस, पहले हमने एक वीडियो में बोला था कि हाँ विड्रॉल नहीं कर सकते क्योंकि उस तक जोसा ने किसी को क्लेरिफाई करके कुछ भी सही से नहीं बोला था। बट हाँ जो नया नोटिस आया है, जो जोसा का टाइम शेड्यूल आया है उसमें भी डायरेक्टली मेंशन है कि आप 6 राउंड के बाद, मतलब 6 राउंड जो आपका रिजल्ट आ चुका है इस टाइम भी आपका जो विड्रॉल है वो आप कर सकते हो। तो हाँ जो IIT वाले हैं वो विड्रॉल नहीं कर सकते, एंड अगर वो विड्रॉल कर लेते हैं सीट में एडमिशन नहीं लेते तो वो नेक्स्ट बार के लिए भी बैन हो जाएंगे। बट जो NIT प्लस सिस्टम है उनके लिए एक ऑप्शन शो हो रहा है कि आप विड्रॉल ले सकते हो। तो अगर किसी एक स्टूडेंट को अभी विड्रॉल लेना है तो ऑब्वियसली आपके पास जो विड्रॉल ऑप्शन है NIT प्लस सिस्टम के लिए वो शो हो रहा है, तो आप अभी विड्रॉल जो है वो ले सकते हो। क्वेश्चन इज, अगर मैं अपना जो सीट है वो जो समय फ्रीज कर देता हूँ तो क्या मैं सीसेप में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? सो द आंसर इज यस यस यस, आप सीसेप में तभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो जिन्होंने पहले फ्रीज किया था इधर 6 राउंड में फ्रीज कर रहे हो उनके पास भी जो सीसेप में पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन शो होगा। तो मोर जो सीसेप रिलेटेड डाउट वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, एंड हम एक सीसेप रिलेटेड काउंसलिंग प्रोसीड्यूर वीडियो ही लेके आएंगे। तो हाँ आई होप जो मोस्ट कॉमनली डाउट है मैंने जो पार्शियल एडमिशन फी, जो NIT IIT एंड जो 6 राउंड के बाद आपको क्या क्या करना होगा वो यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। मे बी कमेंट कर रिप्लाई देने में लेट हो, बट आई विल ट्राई कि कोई वीडियो ही लेके आऊँ जाऊँ जिसमें सिर्फ एक नहीं जो हज़ारों जो स्टूडेंट है जिनका जो मोस्ट सेम डाउट है उनका डाउट एक ही वीडियो से क्लियर कर दूँ। सो होपफुली आपको वीडियो बहुत ज़रूर पसंद आया होगा। तो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कॉमेंट बिलो एंड मस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल। हम ज़रूर मिलेंगे ऐसी ही एक नए वीडियो के साथ, एंड टिल देन बाय बाय।